हमारे मेहमान हैं आप डॉक्टर गुलाम नबी फाइज साहब। तो फाइज साहब, आप बताइएगा कि आज जिनेवा में आप क्या करने आए? जी, जेनीवा में तो आपको मालूम है कि ये अक्वामी मुतिदा का इदारा है, अगरचे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन आलमी बरादरी के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स से मुतलिक इश्यूज़ हैं वो न्यूयॉर्क के बजाय जेनीवा में डिस्कस होते हैं। और यहाँ पर चूंकि इस वक्त अक्वामी मुतिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 10वां इजलास चल रहा है और उसमें बहुत सारे आइटम्स पर गुफ्तगू हो रही है और होती है, और ये चूंकि तकरीबन 3 हफ्ते का काउंसिल है, सेशन है, तो इसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, जैसे टॉर्चर का इशू है, डिटेंशन का इशू है, हक़ खुद इरादत बज़ात खुद एक मौजू है जिस पर बहस होगी, तो खुद डिसपेरेंसेस भी एक इशू है जिस पर एक दो दिन बात चलेगी। तो इसके साथ ही हम ये भी महसूस करते हैं कि एज एन एनजीओ हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हम आलमी बरादरी को सेंसिटाइज कर सकें। और तलत साहब, आप तो खुद कश्मीरी हैं, मैं आपको उत्सुक से कहता हूँ कि कश्मीरी जहाँ का भी है, वो मकबूज़ा कश्मीर का है, आज़ाद कश्मीर का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, मुसलमान है, हिंदू है, बुद्ध है, हम वाकई कितनी खुशकिस्मत हैं जब आप किसी से कश्मीर की किसी भी एरिया पर बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आलमी बरादरी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी, और जो कश्मीरी आवाम की जो अंडरस्टैंडिंग है कश्मीर के इशू के बारे में, उसमें कोई तादाद नहीं। और फिर आप ये कहेंगे कि फिर 61 ईयर से हम वहीं पर हैं जहाँ 1947 में थे, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात होती है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, क्योंकि हम तो अकेले तो आइसोलेटेड इशू तो नहीं है ना ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, देर आर मेनी इंटरनेशनल इश्यूज, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कोशिश करना पड़ती है कि जो आलमी बरादरी है, जो मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आपके हक में हो जाए। तो हमें उस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो है दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग दैट वट एवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वट एवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वट एवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, आप चूंकि बरतानिया से आपका ताल्लुक है, दे डोंट रियली आर्टिकुलेट दैट अंडरस्टैंडिंग इन टू एक्शन। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम वी आर फेसिंग हियर इन जेनीवा, देयर इन वाशिंगटन, एंड फॉर दैट मैटर इन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। जो आज जो आप इंटरव्यू करने का जो बेसिक मकसद है वो हमने बात करनी है मौजूदा सूरत हाल पे, या गुज़िश्ता 6 महीने कह लें, अगस्त से लेके आज तक क्या हुआ। अगस्त में लाखों लोग बाहर निकले, उसके बाद लोग इलेक्शन में भी चले गए, तो क्या समझते हैं कि यानी इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है कि यानी मसला हल हो गया कि इलेक्शन होने के बाद, आपका क्या मौका है? इंडिया ने ये पहली दफ़ा नहीं कहा, इंडिया ने हर इलेक्शन के बाद कहा कि देखिए कश्मीरियों ने तो इलेक्शन किया। पहली बात तो ये है, जैसे मैंने अभी कहा था कि कश्मीर का जो भी एरिया है, हिंदुस्तान ने ये पहली दफ़ा नहीं कहा कि वहाँ पर इलेक्शन हो गया तो रायशुमारी की क्या ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने ये 53 में कहा और हिंदुस्तान ने ये 57 में कहा, और ये दोनों इश्यूज़ जो है 1953 में भी और 1957 में भी इस पर बहस हुई सलामती काउंसिल में। सलामती काउंसिल ने 2 रेजोल्यूशन पास किए हैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन के बारे में, और सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशन का जो मतन है वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो अगर ये कोशिश करे कि वो मुतबादल होगा राय शुमारी का, वो हमें कबूल नहीं है। यह अक्वामी मुत्तहदा के सलामती काउंसिल के करारदाद का मतन है। इसीलिए अगर हिंदुस्तान ये भी कहे कि वहाँ पर लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो चलो अब मसले कश्मीर हल हो गया, इंटरनेशनल सपोर्ट इसकी नहीं है। और दूसरी अहम बात, आपने बिल्कुल सही बात किया, आपने अगस्त की बात की, मैं तो कहूँगा ये जून से लेकर आज तक जो कश्मीर ने पूरी दुनिया को एक आप कहे लेसन दिया, और वो ये लेसन है कि देयर वॉज अ टाइम
आर्म्ड स्ट्रगल की ज़रूरत थी और कश्मीरी ने आर्म्ड स्ट्रगल इस्तेमाल की, उनने उसको इंटरनेशनलाइज किया और अब वक्त आया है कि इस वक्त पीसफुल रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। और उन्होंने, मैं तो अपनी बात तो नहीं कहूँगा, मैं आपसे वीर संघवी साहब को कोट करता हूँ जो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर रहा है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, खुद हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। और अरुंधति राय का जो, उनके दो आर्टिकल्स मैंने देखे, एक तो डेली गार्डियन में आया, एक हिंदुस्तान टाइम्स में आया, तो वो कहते हैं कि ये जो वहाँ पर मुजाहरे हुए जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इसमें तो लाखों की तादाद में लोग आए, इसमें तो नौजवान भी थे और औरतें भी थी और बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो जो हमने देखी कश्मीर के अंदर, दोनों वीर संघवी साहब और अरुंधति राय, बल्कि गौतम नवलखा साहब भी, वो कहते हैं कि हमने किसी कश्मीरी के हाथ में बंदूक नहीं देखी, दिस वॉज एब्सोल्यूट नॉन वायलेंट, दिस वॉज एब्सोल्यूट पीसफुल। और एक मौके पर नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, महीनों जो वहाँ पर मुजाहरे हुए। अब आपने कहा कि वहाँ पर इलेक्शन है, और बिल्कुल इलेक्शन हुई। अब यहाँ भी मैं अपने आप को कोट नहीं करना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब कोई एरिए के आदमी नहीं है, ही इज़ नॉट अ मैन ऑन द स्ट्रीट। उमर अब्दुल्ला साहब हिंदुस्तान के नायबी वजीर खारजा रहे, उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पर मुस्लिम क्या नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उमर अब्दुल्ला साहब आजकल चीफ मिनिस्टर हैं। उसने एक दफ़ा नहीं बल्कि मैंने अखबार में 5 मुख्तलिफ मौाक़े पर उनके जो बयान थे वो मैंने पढ़े, और उसका मतलब कि उसने मोर देन 5 टाइम्स ये कहा होगा कि ये जो इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं, कोई ये इस गलत फहमी में न रहे कि ये इलेक्शन जो है हम कश्मीर का मसला हम इससे हल करेंगे, नहीं, कश्मीर का जो मसला है वो इससे हल नहीं होगा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोगों की डे टू डे ज़रूरियात है उसको हल करने के लिए वी नीड टू गो थ्रू एन एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शन। यानी ये उसको मैं कोट करता हूँ जो हिंदुस्तान का नायबी वजीर खारजा रहा है, जो इस वक्त कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है। लिहाजा कोई ये कहे कि कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो कश्मीरियों की ख्वाहिशात का एहतराम हमें करना चाहिए, दीज आर एब्सोल्युटली टू डिफरेंट थीसिस एंड टू डिफरेंट एक्सट्रीम। अगला सवाल जो करना चाह रहा हूँ मैं, से जितनी इस वक्त प्रो फ्रीडम लीडरशिप है हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में, वो कहती हैं अपने नौजवानों को कि आप कल तक वही कह रहे थे कि बंदूक उठाओ ये करो, आज वो कहते हैं कि पत्थर भी ना मारो, क्या ये सही स्ट्रेटजी है? देखिए ना, बुनियादी तौर पर आपको जो मैंने कहा वो दूसरे तनाजुर में कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ है लेकिन उसको वो आर्टिकुलेट नहीं करते इनटू एक्शन। इसी तरह से आपको बेसिकली कश्मीरी भी, यू आर ब्रिटिश कश्मीरी लेकिन बुनियादी तौर पर कश्मीरी हैं, आपको ये बात और आपसे मुराद तमाम जो हमारे नाजरीन हैं बात याद रखनी चाहिए कि जब अक्वामी मुत्तहिदा ने हमें एक गारंटी दे दी, करारदाद जिसको हम कहते हैं, उस करारदाद के दो कैवियट्स हैं, एक प्रिंसिपल एस्पेक्ट है और एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। जो प्रिंसिपल एस्पेक्ट है अक्वामी मुत्तहिदा की करारदादों का, उस पर कोई कश्मीरी कंप्रोमाइज नहीं करेगा और न करना चाहिए, उसका ताल्लुक किस खित्ते से क्यों ना है उसको नहीं करना चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज, उसका ताल्लुक किस मजहब से है उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो प्रिंसिपल एस्पेक्ट क्या है? वो प्रिंसिपल एस्पेक्ट ये है कि कश्मीर का जो फैसला होगा वो कश्मीरी आवाम करेगा, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो अक्वामी मुत्तहिदा ने कहा है कि वो होना चाहिए राय शुमारी, वही कहा ना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने दस्तूर में कहा अगर राय शुमारी एप्लीकेबल नहीं है, उनके अल्फाज हैं, मैं उसी को कोट करता हूँ ना जो उनका मंशूर है, कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उनने कहा कि राय शुमारी होनी चाहिए, चलो अगर राय शुमारी होने में कोई प्रॉब्लम है तो हम ट्राइपार्टाइट या सफरी की मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये राय शुमारी, ये सफरी की मुज़ाकरात, ये गन का उठाना, ये गन का छोड़ना, ये प्रिंसिपल एस्पेक्ट नहीं है, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट को दिन में 2 दफ़ा तब्दील करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसूली एस्पेक्ट जो है, जो प्रिंसिपल एस्पेक्ट जो है, उस पर आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा, और ऑन द रेकर्ड हूँ, देयर वॉज अ टाइम कि इंटरनेशनलाइजेशन विदाउट आर्म स्ट्रगल नहीं हो सकती थी,
और मैं ये कहूँगा कि 1990s में जो इंटरनेशनलाइजेशन हुआ वो किसी सियासी कायद की वजह से नहीं हुआ, वो उन नौजवानों की वजह से हुआ। और वक्त ये भी आया कि आर्म्ड स्ट्रगल को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, जो आपका इंटरनेशनलाइजेशन था वो आपके खिलाफ हो जाएगा। देयर विल बी एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कश्मीर बट इट विल गो अगेन द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरीज। तो इसीलिए वक्त ये आया कि नाउ यू हैव टू हैव द पीसफुल दिस प्रोसेशन। ठीक है, अगला सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आया कोई लीडरशिप या कोई पार्टी हक रखती है कि ये मसला जदोजहद को खत्म कर दिया जाए आजादी की खातिर और आजादी के लिए? कोई पार्टी मतलब कोई कह सकता है कि आज के बाद मसला जदोजहद नहीं होगी? ये तो बिल्कुल सियासी कयादत क्या होती है, सियासी कयादत जो है वो ये देखना। मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या किसी के पास ऐसा हक है कि वो ये कहे कि मसला जदोजहद खत्म है? बिल्कुल है, दैट इज द पीपल ऑफ कश्मीर। बल्कि आपको मैं ये भी बताता चलूं, अगर कोई ये कहे, ये जो जून जुलाई अगस्त में जो आपने कहा, अगस्त मैंने कहा जून से ये शुरू हुआ, ये जो जून जुलाई अगस्त में ये जो वहां पर इंडिजिनस स्पॉन्टेनियस पॉपुलर और मास मूवमेंट शुरू हुई, ये किसी लीडर की वजह से नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपके वसात से पूरे नाजरीन को कहना चाहता हूँ, इट वॉज इनिशिएटेड बाय द पीपल, इट वॉज इनिशिएटेड बाय द यूथ एंड बाय दोज यूथ बिटवीन द एजेस, अगेन दिस इज गौतम नावला का राइटिंग, द यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 35। और यही यूथ है जो कल तक अपने हाथ में, उनके हाथ में बंदूक थी, उन्होंने फैसला किया आप बंदूक की जरूरत नहीं, बट दे आर नॉट अगेन द रेजिस्टेंस, they are not accepting the occupation, they want freedom from the occupation. To ye awam ne faisla kiya aur haq pahunchta hai sirf awam ko, aur jo qaidin hote hain, jo leadership hoti hai, unki zimmedari ye hoti hai ki wo direction de. Baaz awqat awam galat bhi soch sakte hain, lekin maine ye kaha ki haq kisko hota hai ki gun uthaye ya na uthaye, ye awam ka haq hai aur qaidin ka ki zimmedari ye hai कि वो उनको सही डायरेक्शन दे दी। ठीक, उसके बाद ये बताएं कि मसलन जो कश्मीर आप बात करते हैं, क्या कश्मीर जो है सिर्फ कोशर बोलने वाला कश्मीरी है, या उसमें जो पहाड़ी बोलने वाला, या डोगरी बोलने वाला, या गिलगिती या बल्ती बोलने वाला भी कश्मीरी है? आपकी डेफिनेशन क्या है कश्मीर की? अगेन मैं अपनी डेफिनेशन दूंगा तो वो मेरी डेफिनेशन होगी। मैं अगेन आपको एक इंटरनेशनल डेफिनेशन दूंगा। अगर वो कोई ये कहे कि कश्मीरी सिर्फ मुसलमान है, कह तो सकता है, लेकिन उसको कोई हक नहीं है कि वो ये कहेगा कि अक्वामी मुत्तहदा की करारदादों की भी बात होनी चाहिए। अगर कोई ये कहेगा कि कश्मीरी वो है कि जो नमकीन चाय पीते हैं, वो कह सकता है, उसको हक पहुँचता है वो कुछ भी कहे, लेकिन उसको फिर ये कोई हक नहीं है कि वो कहेगा अक्वामी मुत्तहदा की करारदादों की भी बात होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल इशू इसलिए है, इसलिए नहीं कि कश्मीरी कहते हैं, बल्कि क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लीगैलिटी है, वो भी अक्वामी मुत्तहदा की, अक्वामी मुत्तहदा ने जो हक खुद इरादे दिया है वो 87,000 एरिया पर जो लोग रहते हैं उनको दिया है, जिनकी इस वक्त तदाद 15 मिलियन है उनको दिया है, जिनका ताल्लुक इस्लाम से है उनको दिया है, जिनका ताल्लुक हिंदुज़्म से है उसको दिया है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के 5 खित्ते हैं, फैसला करना है रियासत जम्मू कश्मीर के उन 5 खित्तों में जो रहने वाले लोग हैं, और वो सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले नहीं हैं, वो कोई भी ज़बान बोलें और कोई भी चाय पिएं और किसी भी खित्ते से उसका ताल्लुक हो, as long as they are the part of 87,000 square miles, they are as good Kashmiris as anybody else. चले एक बात तो समझ आई कि रियासत जो है कश्मीर जो है वो 1947 वाली रियासत है, जिसकी बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह ने एक मॉडर्न रियासत की बुनियाद रखी थी। एज अ डायरेक्टर ऑफ कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, आपने सिर्फ जो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर है उसकी बात करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट वायलेशन या जो और माशी इतिसाल जो है गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में जो होता है उसके मतलब आज तक आपने बात नहीं की, ये आप एक इल्ज़ाम इसके मतलब बताएं। आप इल्ज़ाम कोई भी आप
कोई भी कहेगा मतलब आपने बात नहीं की। मैं अभी 3 महीने पहले सैन फ्रांसिस्को में था, वहाँ मुझे जो हमारे वहाँ पर कश्मीरी अमेरिकन पंडित बरादरी हैं उन्होंने बड़े प्यार से मुझे वहाँ पर बुलाया, क्योंकि मैं गया ही हुआ था तो उनके पास मिला। उन्होंने भी ये कहा कि देखिए आप बहुत बातें करते रहते हैं लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं की। मैंने उनसे कहा देखिए जब का बात छपती है उसको ज़ाया नहीं किया जाता है, वो कहीं ना कोई रिकॉर्ड तो रहता है। मैंने कहा आप जेनिवा जाए, जेनिमा में मैंने 3 इंटरवेंशन में बात की है कश्मीरी पंडितों की। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को डकार से, हम आ रहे थे डकार से, वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं भी वहाँ पर था इस्लामिक समित में, तो उनका प्रेस सेक्रेटरी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर फाइज साहब, पहले मुझे पूछा कि आप डॉक्टर फाइज साहब हैं, हम जहाज़ में थे, मैं डकार से इस्लामाबाद आ रहा था चार्टर जहाज़ में। मैंने कहा हाँ, कहा कि वो आपने कुछ लिटरेचर यहाँ पर तकसीम किया क्या, इसका नाम है इस जहाज़ में। मैंने कहा हाँ, कहा उसमें कुछ 2-3 लाइनें हैं, उस पर कुछ एतराज़ हो सकता है। मैंने कहा क्या है, तो उसने कहा कि आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का खत्ता है, तो मैंने कहा हाँ, तो आपका क्या ख्याल है, कहा नहीं वो पाकिस्तान का है। मैंने ऑनेस्टली मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं मालूम था ये कौन था, फिर बाद में पता चला ये उसका प्रेस इंचार्ज है, तो मैंने उनसे कहा कि ये ठीक है। हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करता हूँ। मैंने कहा देखिए आपने मुझे कहा आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते हैं लेकिन कहीं मियाँ साहब को पता ना चले कि आपका ये ख्याल है। उसने कहा क्यों, मैंने कहा मियाँ साहब खुद कश्मीरी है और कश्मीरी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, वो आज़ाद कश्मीर है वगैरह वगैरह है। आज मैंने यहाँ पर इंटरवेंशन किया, आप बदकिस्मत से आप वहाँ पर नहीं थे, तो अगर आप वहाँ पर होते आपको मालूम होना चाहिए, वो भी वहाँ पर वीडियो हो रहा था, हालांकि पूरा वीडियो नहीं हो सका, उस पर कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन शायद मेरी तक स्पीच वहाँ पर वीडियो टेप हुई। मैंने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि ये जो पीस प्रोसेस चलना चाहिए या कश्मीरियों को जो हक अक्वामे मुत्तहिदा ने दिया है उसकी मैंने बात की। मैंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कोई बात नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही है, देर आर दीज आर टेकिंग प्लेस, एवरी वन इज़ ऑन द रेकर्ड। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं कश्मीरियों के मुस्तकबल की बात करता हूँ उसमें किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो मतलब बार बार गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेता हूँ, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ रियासत जम्मू कश्मीर। ठीक है, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर कोई बंदा, कश्मीरियों को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, कश्मीरियों को सिर्फ 3 ऑप्शन नहीं है, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को इतने ऑप्शन है, शायद मुझे भी नहीं मालूम कितने ऑप्शन है, लेकिन हम उस पर तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि न कश्मीरियों की क़यादत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठे। और मैं आपसे कहता हूँ तलत साहब एज अ कश्मीरी, अगर कश्मीरियों की क़यादत जिस पर तमाम 5 खतों के लोगों का इत्तेफाक हो, जिसमें तमाम जो वहाँ पर अकलियात है उनकी भी उन पर कॉन्फिडेंस हो, अगर वो क़यादत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर आती हैं, खुदा की कसम मैं आपसे कहता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किस नतीजे पर पहुँचते हैं, वो किस सेटलमेंट को तस्लीम करते हैं, आई विल एक्सेप्ट दैट। क्यों? चूँकि वहाँ पर मेरी लीडरशिप है। अगर मेरी लीडरशिप वहाँ पर नहीं है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर खुद ही कोई फैसला करना चाहे तो वो फैसला आगे नहीं बढ़ेगा। और खुद हिंदुस्तान और कश्मीरी देखे ना, कश्मीरियों ने इतना बड़ा लीडर पैदा किया था शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसने बानिए वज़ीर आज़म से मुआहदा किया पंडित नेहरू के साथ, उसने आयरन लेडी के साथ दूसरा मुजाहरा किया इंदिरा गांधी के साथ, वो एग्रीमेंट अभी तक फेल हुआ है। वो क्यों फेल हुआ है? क्योंकि उसमें पाकिस्तान नहीं था। शिमला महादा फेल हुआ, ताशकंद महादा फेल हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें कश्मीर मौजूद नहीं था। तो इसलिए वक्त आया है कि हमें माजी से सबक हासिल करना चाहिए, आइंदा जब भी मुज़ाकरात हो उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकरात करें, ओबियसली वो तो पहले आपस में ही मिलेंगे ना, फिर हमें आपस में बिठाएं, जब वो आपस में मिलें दे मस्ट डिसाइड द पैरामीटर्स कि बात किस बात पर करनी है,
लोग कहते थे कि वो सैदअली गिलानी जो बड़ा वो है जी वो हट धर्म है। मैं खुद गिलानी साहब से वहाँ पर हज पर मिला था, वो हज पर तशरीफ लाए थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। आप क्यों नहीं हिंदुस्तान से बात करना चाहते? उसने कहा मैं हिंदुस्तान से बात करने के लिए तैयार हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि बात तो उन्हीं से करनी है, लेकिन फैज साहब ये तो बताए कि बात किस बात पर करनी है। आप देखिए ना, 4-5 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बात चल रही है, और अभी जो वहाँ के वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान की, उसने कहा कश्मीर इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ मुखर्जी साहब ने कहा अगर कश्मीर इज़ अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ ये कश्मीर पर बात क्या करता है? ये तो पैरामीटर तो डिफाइन होने चाहिए ना। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए। ये टाइम बाउंड का मतलब ये नहीं कि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड एज कश्मीर इज, कि टाइम बाउंड का मतलब ये नहीं कि फिर इट हैज़ टू बी रिजॉल्व विद इन दैट टाइम फ्रेम, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए ना कि ये कोई कितना लॉन्ग प्रोसेस है। और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि इन प्रिंसिपल हिंदुस्तान पाकिस्तान ये फैसला करें या ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि तब तक कश्मीर का कोई सेटलमेंट नहीं होगा जब तक कि ना कश्मीरी की कयादत को हम इंक्लूड करें। और चौथी बात यह है कि जब ये आपस में मुजाकरात करते हैं, ये आपको मालूम है कि वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में कहा था कि कश्मीर के अंदर 8,000 से 10,000 लोग लापता है, ये स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पाई है। और अभी वहाँ पर एक इंडियन डेलीगेशन गया कश्मीर, अभी से मुराद लास्ट अगस्त सितंबर, उन्होंने कहा कि वहाँ पर मास ग्रेव्स डिस्कवर हुए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब पीस प्रोसेस आपस में चले तो उसका इम्पैक्ट इट हैज टू बी फेल्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर। अच्छा, आपने नुमाइंदों की बात की कि कश्मीर के नुमाइंदे होने चाहिए, क्या नुमाइंदे तो इलेक्शन में हिस्सा लेके जो आ रहे वो नुमाइंदे हैं? उमर अब्दुल्ला करेगा, उमर अब्दुल्ला का वो तो नहीं, यानी मुफ्ती सईद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। अतीक करेगा? नहीं करेगा। नुमाइंदा होगा कौन? मैं यही कह रहा हूँ, वो सिलेक्ट कैसे? देखिए ना, उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही कहा, यानी उमर अब्दुल्ला साहब इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, लेकिन इसका कश्मीर के का तस्बिया जो है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू हुई कश्मीर के अंदर, मैंने खुद देखी वो। अगर मैं कश्मीर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स आई हैव नेवर बीन एबल टू गो टू कश्मीर, लेकिन मैंने वो देखी। यासिन मलिक साहब ने वो इनिशिएट किया, 1.5 मिलियन सिग्नेचर्स। चले ठीक है, आप ये कह सकते हैं आपने एक एक को तो नहीं गिना है, चले 1 मिलियन सिग्नेचर्स, चले 9 लाख, चले 8 लाख, इट इज़ रियली इट। मेरे पास सीडी है, मैंने खुद वहाँ पर इस्लामाबाद में मेरे होटल में जब उसका असमा जहांगीर साहिबा ने इफ्तिता किया, आई वॉज देयर, इट इज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिग्नेचर्स। अगर किसी लीडर को वहाँ के आवाम ने 6 लाख 7 लाख 1 मिलियन सिग्नेचर दे दिए और उसको आप लीडर तस्लीम न करें तो फिर किसको तस्लीम करें? सईद अली गिलानी साहब वो हस्पताल में थे और पूरी दुनिया जानती थी कि शायद आप ये वापस नहीं आएंगे, उनका कैंसर की तकलीफ थी, अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे, हर एक को शिफा बख्शे जो भी बीमार है, मुसलमान है गैर मुस्लिम है। जब वो वापस आए अल्लाह ने उसको सेहत दी, तो वहाँ के अखबारात ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, वहाँ के अखबारात ने लिखा कि 1.25 लाख से ज़्यादा लोग उसको रिसीव करने गए। अगर गिलानी साहब लीडर नहीं है, 1.25 लाख लोग क्या कर रहे थे? उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन से पहले कहा कि ये जो हुर्रियत वाले हैं ये जहाँ भी जाते हैं कहीं लाख होता है, कभी उनका स्टेटमेंट है वीडियो, कहीं लाख होता है, कभी 4 लाख होता है, कभी 5 लाख होता है, अगर हम कहीं जाएंगे हमें तो 10,000 लोग नहीं मिलेंगे। तो अगर ये वहाँ पर, दूसरी बात ये, यस आप ये कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला इज द लीडर, इज वन ऑफ द लीडर्स, महबूबा मुफ्ती इज वन ऑफ द लीडर्स, नॉट बिकॉज शी इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। किसी का देखिए, जब नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि आई एम द लीडर ऑफ, वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ। यासिर अरफात के साथ, यासिर अरफात को जो नोबल पीस प्राइज नहीं मिला, क्यों मिला? ओस्लो उसकी वजह से मिला ना उसको, और उसको किसने इलेक्ट किया था? ना, मेरा जो सवाल जो मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, क्या यही पैरामीटर होने चाहिए कि सिग्नेचर हर बंदा हर लीडर जो है इकट्ठे करे, या यानी अपने जुलूस में दिखाए कितने बंदे हैं, यानी क्या पैरामीटर्स होंगे कि पूरी स्टेट के नुमाइंदे हम चुने सबसे पहले? अगर वो होगा तो आई एम टोटली, अगर जो आपने सवाल रिफ्रेज किया ना,
कैसे चुने, दैट्स अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन और दैट्स अ टोटली डिफरेंट फ्रेजियोलॉजी जो आपने इस्तेमाल की. क्योंकि आपने कहा था कि ये जो इलेक्शन होते हैं, मैंने कहा नहीं, इलेक्शन की वजह से अगर कोई इलेक्ट होता है तो ये जो इलेक्शन होता है वो नहीं होना चाहिए. अलबत्त जो आपने सवाल पूछा, आई एम 100% विद यू इफ यू रियली मीन व्हाट आई अंडरस्टूड. अगर हमें ये देखना है कि कश्मीर का लीडर कौन है तो पांचों खतों में इलेक्शन होना चाहिए. बट दिस इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड बाई इंडिया एंड पाकिस्तान. इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल देन टू हैव फेयर इलेक्शंस. और इलेक्शन बोथ होते हैं, प्रेसिडेंट कार्टर उसको मॉनिटर करता है, कोई और उसको मॉनिटर करता है. अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में जाकर वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए और उनको ये बताए कि इससे जो, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमें ये देखना है कि लोग किसके साथ हैं, वो इलेक्शन मुझे कबूल है. आई थिंक दैट इज द इलेक्शन विच वन डे आर हैज टू हैपन, कि लोग किसके साथ हैं और लोग किसको वोट देते हैं, जस्ट टू सी दैट दैट पर्सन विल हैव द मैंडेट टू टॉक टू इंडिया एंड पाकिस्तान. मौजूदा सूरतेहाल में, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया की सर्द मोरी चल रही है आफ्टर बम्बे, क्या नजर आता है कि क्या होगा, यानी आपकी, यानी हम क्या होना चाहिए, दैट्स डिफरेंट थिंग, क्या हो रहा है? देखिए ना, बदकिस्मती यही है कि बैन अल-अक़वामी बरादरी जो है वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़े. लेकिन उनको ये तब याद आता है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार होते. बराक ओबामा की अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई वो इसलिए हुई कि चूंकि बराक ओबामा की बहुत सारी एजेंसीज के साथ ताल्लुक था. ये ठीक है ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट, लेकिन यह है कि ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेनेटर. सीआईए के अंदर भी उसके अपने दोस्त रहे होंगे और जो अमेरिका की एजेंसीज हैं उन्होंने जो उनको एजुकेशन दिया कश्मीर के बारे में, उसने कहा कि अफगानिस्तान में हमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी जब तक ना हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को राज़ी करें कि वो कश्मीर का इशू रिजॉल्व करें. उनसे पूछा गया, ये बताइए न्यूक्लियराइजेशन क्यों हो रहा है? उसके जवाब में उसने कहा कि देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर टेंशन जो है वह कश्मीर है, उसको रिजॉल्व करें. बुनियादी तौर पर बात यह है कि आप लोगों की समझ में ये बात आई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि ख़त्म करना है. बुश साहब ने कहा नहीं, मुशरफ साहब आपने हैंडशेक करना है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से जब आप उनसे हवाना में मिलेंगे. इट वाज प्रेसिडेंट बुश, नॉट प्रेसिडेंट मुशरफ, नॉट डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वांटेड टू मीट देयर. इट वाज प्रेसिडेंट बुश हु डिड नॉट गिव देम एनी चांस, एनी चॉइस बट टू मीट इन हवाना ज्यूरिंग नॉन अलाइन मूवमेंट. लेकिन प्रेसिडेंट बुश साहब को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो डिफ्यूज आप टेंशन करते हैं, आफ्टर वाइल देर इज अगेन टेंशन. तो बुनियादी तौर पर ये देखना है कि जो अंडरलाइंग काज ऑफ टेंशन है, जो सोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है इस टेंशन का, उसका इलाज करें. और वो जो है वो सिवाय कश्मीर के कुछ नहीं है. सो दैट्स वाई आपने जो कहा मुंबई के बाद ये जो है, ये इसी तरफ हमें वो कहता है ना, देखिए ये बम्बई जो हुआ, अल्लाह बचाए, जैसे ब्रूस राइडल है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइजर्स टू प्रेसिडेंट ओबामा ऑन अफगानिस्तान. उसने भी आपने आर्टिकल में कहा कि अफगानिस्तान, उसने तो वैसे जुलाई में कहा, उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि कौन प्रेसिडेंट होगा. जुलाई की बात करता हूँ, जुलाई ऑफ दिस ईयर उसने उस वक्त कहा था कि, जुलाई ऑफ लास्ट ईयर उसने उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान के बारे में हमें ये देखना होगा कि जो भी नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि कश्मीर के इशू को आप रिजॉल्व करें. तो इसलिए हिंदुस्तान को भी यकीन रखना चाहिए कि कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, उसको वो अलग नहीं कर सकता है. तो कश्मीर को आप रिजॉल्व करें तो बहुत सारी जो इस वक्त वहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ये दूसरा जापान बन सकता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन वेस्टेड सिंपली टू मेंटेन जस्ट दैट यू नो सियाचिन. व्हाट इज सियाचिन? इट इज जस्ट अ ग्लेशियर. आई एम अ कश्मीरी, आई हैव नेवर बीन देयर, आई कैन नॉट बी देयर, नॉट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी देयर, बट यू हैव टू हैव अ स्पेशल ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू गो देयर. बिलियंस ऑफ डॉलर्स.
So that's why the resolution of Kashmir, it is really going to guarantee the peace and prosperity for more than 1.4 billion people, which is one-fifth of total human race. Puri insaniyat ka panchwa hissa Kashmir ki wajah se jo hai fasa hua hai. آخر میں یعنی جو کنکلوڈ کریں گے، اب کیا میسج پاکستان کے اور ہندوستان کے عوام کو دینا چاہتے ہیں کشمیر کے لیے، کیا کرنا چاہیے؟ لیکن پاکستان اور ہندوستان کے عوام کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ میری بات نہ مانیں، آپ کہیں گے یہ تو کشمیری ہے تو کشمیری یہ تو ہوتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا چلو آپ اندرتی رائے کی بات مانیں، آپ کہیں گے وہ تو لیفٹس ہے پروگریس ہے وغیرہ وغیرہ، ویر سنگوی صاحب جو ہے وہ تو مین اسٹریم رائٹر ہے، ویر سنگوی صاحب جو ہے وہ مین اسٹریم رائٹر ہے، ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہے ہیں، اس نے جو اپنے آرٹیکل میں ہندوستانی حکومت کو مشورہ دیا ہے، اس نے کہا، اور وہی میرا میسج بھی ہے، اس نے یہ کہا ہے، مطلب غلط کوٹ نہیں کر سکتا ہوں نا، اس نے یہ کہا ہے کیا ہم نے کشمیریوں کے ساتھ وعدے نہیں کیے ہیں کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرے، یہاں سے شروع کیا ہے اس نے، سوال سے شروع کیا، کیا ہم نے کشمیری عوام کے ساتھ وعدے نہیں کیے ہیں کہ وہ ہمارے اپنی قسمت کا فیصلہ کرے؟ میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کشمیری جو ہے ہندوستان کا حصہ بنے، لیکن ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے، اگر وہ ہمارا حصہ نب بھی بننا چاہیے، لیٹ دیم گو، دس از دا ٹائم ٹو تھنک ان تھنکیبل۔